मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज है 8 जून 2022। आइए देखते हैं कल क्या हुआ है और आज और आने वाले दिन में क्या क्या एक्टिविटीज है। बट ये जो वीक है काफी डेटा पैक्ड वीक है। आज है आरबीआई पॉलिसी, तो जहाँ पे मीन्स एक्सपेक्टेशन है कि 0.25% से 0.75% के बीच में एक रेट हाइक का, और एवरेज एक्सपेक्टेशंस जो है 0.5% रेट हाइक का, रेपो रेट हाइक। उसके साथ हमें देखना है कि सीआरआर का हाइक करता है या नहीं करता है। कल है ईसीबी का रेट पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फॉलोड बाय 10 जून जहां पे यूएस सीपीआई है। उस यूएस सीपीआई के फिगर के ऊपर डिपेंड करके आने वाले 15 जून को जो एफओएमसी रेट डिसीशंस होगा। सो इट्स ऑल डेटा पैक्ड वीक। डॉलर इंडेक्स अभी है 102.50 पे। कल एक हल्का सा नेगेटिव कैंडल दिखा गया है। इट्स सम सॉर्ट ऑफ इनवर्टेड पिनवर्ट टाइप ऑफ कैंडल, कल का जो कैंडल है। एंड उसका जो लोकेशन है, लोकेशन मैटर्स अ लॉट। वो लोकेशन है सेंटर बैंड में। दैट बीइंग द केस, अगर हम देखेंगे कि इस टाइप का अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, दिस टाइप ऑफ ट्रेंड लाइन, इन सच ए सिनेरियो हमें काफी शार्प फॉल दिख सकता है ऑन दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। तो ये ट्रेंड लाइन के नीचे अगर आज और आने वाले दिन में क्लोज दे देता है, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड। डेली सेंटर बैंड पे रेजिस्टेंस ले रहा है एंड लोअर टाइम फ्रेम, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि लोअर टाइम फ्रेम करेंसीज के लिए 4 आवरली होगा और इक्विटी मार्केट के लिए आवरली होगा। तो 4 आवरली पे जैसे ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज दे देगा, देन देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज इट विल मूव टूवर्ड्स 101.2025 के तरफ। तो आइए देखते हैं डॉलर रुपी में क्या एक्टिविटीज है। कल अपर लेवल पे प्राइस गॉट रिजेक्टेड और ये जो मूव हुआ है 77.83 एंड 77.64। लेकिन हमारा इंडियन मार्केट में डॉलर रुपी काफी नैरो रेंज में था, जहां पे ज्यादा कुछ मूवमेंट था नहीं। तो यहाँ पे अभी मार्केट पूरा का पूरा इंतजार कर रहा है 10 बजे हमारे दास साहब का पॉलिसी डिसीशंस के ऊपर। उसके पॉलिसी डिसीशंस के बाद एक शॉर्ट टर्म के लिए काफी वॉलीटिलिटी देखा जाएगा। उसके बाद एक पार्टिकुलर डायरेक्शन लेना चाहिए। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। मेरा जो फिंगर है क्रॉस्ड है फॉर आइदर साइड ब्रेकआउट। अगर हम जीबीपी डॉलर देखेंगे, जीबीपी डॉलर में एक अच्छा खासा कल पुल बैक दिया गया है एंड इट ट्रेडेड इन बिटवीन 1.2430 एंड 1.2600। तो देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज कि जीबीपी डॉलर इज हेडिंग टुवर्ड्स 1.2700। अगर हम यूरो डॉलर देखेंगे, यूरो डॉलर में नीचे की तरफ प्राइस गॉट रिजेक्टेड। एक डोजी टाइप का कैंडल फॉर्म हुआ है एंड प्राइस गॉट रिजेक्टेड एंड इट ट्रेडेड इन बिटवीन 1.0652 एंड 1.0714। एंड यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशंस एक्सपेक्टेड है बिकॉज कल ईसीबी का रेट डिसीशन है, उसके बाद ही प्राइस एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने का मूव करेगा। तो आज और कल टिल ईसीबी ज्यादा कुछ ट्रेंडेड मूव एक्सपेक्टेड नहीं है। डॉलर येन में काफी अच्छा अप मूव दिया है एंड नाउ इट इज 132.99। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोबेबल रेजिस्टेंस एक था 1.2720, उसके ऊपर क्लोज दे चुका है। सो ये लेवल कन्विंसिंगली ब्रेक कर चुका है। अभी हमें देखना है कि ये लेवल 134.27 उसके आसपास कुछ अच्छा सा बढ़िया सा नेगेटिव कैंडल बनाता है या नहीं। लेकिन अगर हम बैंक ऑफ जापान का गवर्नर का स्टेटमेंट अगर हम देखेंगे, जहाँ पे उन्होंने कमेंट दिया है कि
वीक येन बेनिफिटेड द इकोनॉमी, अगर कोई शार्प मूवमेंट ना हो, अगर कोई शार्प मूवमेंट होगा, रैपिड मूवमेंट होगा, देन बैंक ऑफ जापान में इंटरवीन। अगर हम जीबीपी आईएनआर का देखेंगे, जीबीपी आईएनआर में भी एक प्राइस गॉट रिजेक्टेड एट अ लोअर लेवल्स, इट ट्रेडेड इन बिटवीन 96.65 एंड 97.84। तो ये जो कंसोलिडेशन था, ये कंसोलिडेशन के ऊपर ये कैंडल फॉर्म हुआ है। दिस कैंडल ऑल्दो इट्स लाइक ए हैमर, बट इट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल बिकॉज क्लोजिंग के आस हाई के आसपास क्लोज दे चुका है। तो यहाँ पे एज ऑफ नाउ बाई डिप्स हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन 10 बजे का रेट डिसीशंस हमें इंतजार करना है। यूरो डॉलर में देखेंगे, यूरो डॉलर में स्मॉल बॉडी कैंडल्स फॉर्मेशंस हो रहा है, एंड यहाँ पर भी आज का एक्शन एज वेल एज कल का इसी भी एक्शन दोनों को देखना है। उससे पहले हमें एक रेंज बाउंड मूव, चॉपी एंड वॉलेटाइल मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये एनआईएनआर क्या देखेंगे तो काफी तेजी से ये जो बॉटम है इसको तोड़ चुका है। तो एनी ऑप्टिक यहाँ पे थोड़ा सा, जब तक रिवर्सल कैंडल फॉर्म नहीं होता है, एनी ऑप्टिक में भी सोल्ड इन दिस पार्टिकुलर पेयर। अगर हम डॉलर कैंडी देखेंगे, डॉलर कैंडी कल ड्यूरिंग द डे ये ऊपर की तरफ जाने का कोशिश किया था, बट द प्राइस गॉट रिजेक्टेड एंड इट ट्रेडेड इन बिटवीन 1.2619 एंड 1.2523, एंड उसके बाद ये अभी क्लोज के आसपास ट्रेड कर रहा है। दैट बीइंग द केस, यहाँ पे आरएसआई टर्म्स में भी ये प्रतीत होता है कि सेल ऑप्टिक्स में भी कंटिन्यूड। अभी ये पर्टिकुलर जो रेंज है यहाँ पे हमें देखना है कि स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल फॉर्म होता है या नहीं। अगर ऑसी डॉलर देखेंगे, ऑसी डॉलर में कल एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट देखा गया है। कल बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया का रेट डिसीशंस था, जहां पे 50 बेसिस पॉइंट्स रेट हाइक किया है, एंड उनका जो रेट है अभी 0.35% से 0.85% में चला गया है। एंड उसके बाद ये थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा गया करेंसीज में अगेंस्ट द डॉलर्स। तो अभी ये जब तक आपका ये 3 जून के हाई के ऊपर क्लोज नहीं दे देता है एंड उसके बाद फॉलो थ्रू नहीं करता है, तब तक ये इट इज एक्सपेक्टेड, मीन्स 0.73 इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। अगर सीएनएच देखेंगे, सीएनएच में ये लोअर लेवल पे ये कंसोलिडेट कर रहा है, एक मीन्स ऑब्जर्वेशन, एक क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन देखना है कि ये जो 23rd मई के जो लो है उसके नीचे ट्रेड किया लेकिन क्लोज नहीं दिया, 3 जून को भी नहीं दिया, 6 जून को भी नहीं दिया, नीचे के आया फिर ऊपर बाईबैक हो गया है। सो दिस पर्टिकुलर लेवल इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। इसको तभी हम थोड़ा सा सेलिंग के लिए सोच सकते हैं, अगर इस पे नीचे क्लोज दे देता है ये लेवल के नीचे, एंड बाद नेक्स्ट डे में एक फॉलो थ्रू दिखा जाता है। अगर हम यूके ऑयल देखेंगे, कल आपका एक ऊपर की तरफ बाई बैक दिखा गया है एंड ये ट्रेडेड इन बिटवीन 118.61 एंड 121.32। तो यहाँ पे बेसिकली ये रेंज जो है आपका 124 एंड आपका 107.50, ये एक रेंज बन गया है। ये बेसिकली हायर हाई हायर लो फॉर्मेशंस कर रहा है। जब तक ये लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस नहीं करता है, तब तक हमें एक अच्छा खासा सेल ऑफ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। 10 ईयर यूएस ट्रेजरी का एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखा गया है, एंड ये जो कैंडल है अच्छा खासा एक सेल ऑफ कैंडल है। हम देखेंगे कि ये जो 3.009 ये लाइन के ऊपर 6 जून को कन्विंसिंगली क्लोज दिया है, लेकिन कल इसका फॉलो थ्रू नहीं देखा गया। तो यहाँ पे एक ये अगर आपका 6 जून के लो के नीचे कन्विंसिंगली क्लोज दे देता है तो थोड़ा सा सॉफ्टनेस एक्सपेक्टेड है, अगर क्लोज नहीं दे देता है तो एक बोथ वे मूवमेंट हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो
डेली करेंसी एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।